सो हेलो गाइस, जैसे कि मैं बढ़िया हूँ तो लेकर आ गया अपनी वीडियो के साथ। तो यार ये वाली गेम प्ले बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम जाने वाले रोजोव और यार हॉट ड्रॉप कहीं और बन नहीं रहा था। तो यार गाइस, अगर आपको लग रहा है कि पबजी बैन होने वाली है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि पबजी बैन अब नहीं हो रही है क्योंकि अब उन्होंने टेंसेंट के साथ अपना नाता तोड़ दिया है। तो पहले इस वाली गेम प्ले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यार सबसे पहले मैं गेम प्ले या फिर इन्फॉर्मेशन कुछ भी शुरू करने से पहले ये कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और यार अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर इस चैनल पर पुराने हो तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में जाके पहले बताओ यार कि क्या क्या कमियाँ हैं, तभी मेरे को पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि पबजी बैन हो रही है कि नहीं हो रही। पहली बात, पबजी अब बैन नहीं हो रही है, मतलब प्ले स्टोर से हट गई है, सब जगह से हट गई है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि पबजी वापस आएगी क्योंकि उन्होंने गेम लॉफ्ट के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है कर लिया है, मतलब अपनी पार्टनरशिपिंग गेम लॉफ्ट के साथ कर लिया, उन्हें इन्वेस्टर्स मिल गए हैं। तो ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम में हमारे को पबजी में टेंसेंट ना दिखकर गेम लॉफ्ट दिखेगा क्योंकि उन्होंने टेंसेंट के साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, और अब कोई भी ये नहीं कह सकते कि पबजी चाइनीज़ गेम है। और पहली बात तो ये कभी चाइनीज़ गेम थी ही नहीं। और गाइज अब खुशखबरी की बात है कि हाँ, जिन्होंने सीज़न 14 में ही रॉयल पास ख़रीदा था और उसी टाइम बैन हो गया था, तो लोग उनकी बेइज्जती तो कर ही रहे होंगे, मुझे पता है गलियों में झाई तोड़ रहे होंगे उनकी कि यार मतलब सीज़न 14 का इसी बार बेचारे ने रॉयल पास ख़रीदा था और एकदम से पबजी बैन हो गई, तो काफ़ी लोग मजाक उड़ा रहे होंगे। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है कि गाइज अब वो जो पबजी है वो वापस आ गई है। तो अब बात कर लेते हैं मेरे गेम प्ले की। तो गाइज इस वाले गेम प्ले में सबसे पहले यार मैं रोजोहॉक उतरा था, तुमने सारा सीन देख लिया, हमें एक या मिलता है तो सबसे पहले हम छत वाले को संभालते हैं। तो अब बात करते हैं अभी जो चल रहा है। तो इसमें क्या होता है, साइड से गाड़ी वाला बंदा आता है, तो यार मेरा पूरा ध्यान पहले आगे वाले बंदे पर था, लेकिन फिर आगे वाले को हमें इग्नोर करके गाड़ी वाले पे देखना पड़ता है, और इतने में मुझे पता चलता है कि मेरी पूरी की पूरी टीम निपट चुकी है। अब यहाँ पर यार तुम्हें दिखेगा मुझसे बुरी किस्मत किसी की नहीं होगी यार, अब तुम देखते जाओ यार क्या हुआ इधर। मैं यहाँ पर अंदर आता हूँ, फिर बंदा बाहर जाता है, फिर अंदर मैं जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, और फिर बंदा अंदर आता है। थोड़ी देर तो यही चल रहा होता है हमारे बीच, फिर मैं साइड से जाता हूँ और बंदे का ध्यान कहीं और होता है, अब निपटाएंगे। तो यार मतलब पूरी एक स्क्वाड वाइप आउट हो गई, लेकिन एक भी किल में बस एक किल मेरे हाथ आता है क्योंकि यार काफ़ी सारे बंदे थे तो आपस में नॉक वॉक कर देते हैं, तो मैं जैसे ही मार दूँ तो उन्हें किल मिल गया होगा। तो गाइज़ यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे साइड से एक बॉट जा रहा होता है, तो पहले उसे इग्नोर मारेंगे, और पहले मैं आसपास ये श्योर करना चाहता था कि यार कोई बंदा तो नहीं, अगर बंदा होगा तो यार बैंड बच जाएगी, तो पूरे को पूरा श्योर कर लेंगे। और यार थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, 7.62 की एमओ चाहिए मुझे, तो ये क्रेट तो लूटना बनता ही है। तो यार इस थोड़े से लूट करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी सी किल चोरी करेंगे क्योंकि यार एक बंदे को मारने का मतलब यार बाकियों ने भी तो किल चोरी की, तो मेरा भी थोड़ा फ़र्ज बनता है किल चोरी करने का। तो इसके पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो इसको थोड़ा सा मुक्ति देते हैं, और यहाँ पर फिर हम पूरी की पूरी हेल्थ करेंगे। गाइस हमेशा फुल हेल्थ रखो यार, क्योंकि तुम्हें पता ही है यार हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ नहीं होगा तो फिर कुछ बचा ही नहीं। तो हेल्थ 75% बढ़ाने के बाद साइड में बॉट दिखता है, तो उसको पहले फिनिश करेंगे। बॉट को फिनिश करने के बाद यार मुझे एक प्यारी सी टपली देखती है, तो यार इस बॉट को मारने के बाद मुझे एक प्यारी सी टपली दिखती है। यार मैंने पूरा ट्रिक सोचा कि यार इसको मैं नेड से ख़त्म करूँगा, लेकिन नेड सही बताओ नेड लग के वापस आ गया। देखो यार इससे बुरी किस्मत क्या होगी, मैं यहाँ पे क्रेट लूटने आता हूँ और एकदम से मुझे प्यारी सी शक्ल दिखती है किसी प्लेयर की, तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इसे नेट से मारा जाए। थोड़ा सा यार ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था मज़े लेने की, लेकिन यार देखो मज़े में अच्छे खासा एक नेड बेकार चला जाता है यार। बंदे पे नेड लगा और वापस आ गया। अब मैं प्री फायर के साथ जाता हूँ, और यहाँ पर मेरा डिवाइस बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, लैग कर जाता है। तो गाइज अगर कभी भी ऐसी छोटे घरों में हो तो यार पहले से प्री फायर लेकर जाओ, क्योंकि यार सही बता रहा हूँ बहुत काम आता है, अगर आपका डिवाइस अच्छा होगा तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हेल्थ करेंगे और लूट करेंगे, और जैसे ही मैं हेल्थ लूट कर रहा था यार एकदम से बंदा आता है, और भाई मतलब अच्छा हुआ उसको नहीं पता था कि मैं अंदर था, नहीं तो बंदा निपटा देता। तो एकदम से मुझे पहले दिख जाता है, तो मैं थोड़ा सा कवर में जाता हूँ, फिर उसके बाद उस बंदे को देखेंगे। फिर बंदे ने भी मुझे देख लिया था, और देखो यार कैसे निपटाते हैं, शायद उसकी भी हेल्थ कम थी इसलिए बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। और गाइस यहाँ से मैं जैसे ही गुजर रहा था, स्कूल से शॉट्स पड़ते हैं, तो यहाँ पे बंदा एक भाग रहा था तो उसे कुचलते सबसे पहले।
और भाई यहाँ पर तुम्हें पबजी के सस्ते नशे दिखेंगे, सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा पूरा फिनिश कर देता हूँ। यार रिवाइव का मौका ही मत दो यार, अगर तुम्हारे बस में है मतलब तुम मार सकते हो तो यहाँ पर देखो यार सस्ते नशे दे दो तुम पबजी के, सच बता रहा हूँ यार। मतलब मैंने स्कोप टच किया था, मैं सही बता रहा हूँ, दो बार स्कोप टच करना पड़ा मुझे। तो यहाँ पर मैं इसको फिनिश करके डायरेक्ट चलता हूँ यार यहाँ से, क्योंकि इसका पार्टनर दौड़ता हुआ आ ही रहा होगा। तो मामला को थोड़ा ठंडा होने के लिए मैं यहाँ से गाड़ी लेके कहीं और जाता हूँ ताकि थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए, और मैं फिर वापस घूम के स्कूल आता हूँ ताकि बंदा मुझे आसपास चक्कर काटता हो दिख जाए। तो मैं एक पल के, क्योंकि मैंने पेटी यहीं बनाई थी तो मुझे लगा कि बंदा यहीं होगा, लेकिन यहाँ बंदा नहीं होता। तो फिर बंदा मेरे को छत पर दिखता है जो कि शायद इसका टीममेट हो, लेकिन वो भी डायरेक्ट फिनिश नहीं होता। तो मुझे थोड़ा सा शक होता है कि आसपास एक और बंदा होगा। तो यहाँ पर मुझे छत पे बंदा देखता है और देखो यार इसको कैसे फिनिश करते हैं। भाई सच बता रहा हूँ इस बंदे का एम चॉक हो गया था, नहीं तो ख़त्म था मैं। और यहाँ पर मैं हेल्थ करने के बाद इस बंदे को मैं फुल फिनिश कर देता हूँ। थोड़ा सा वेट कर रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि इसका बंद पार्टनर भी यहीं कहीं दौड़ते हुए आ जाए। तो अब मैं फिर से वही दूसरी बार ट्राई करता हूँ। यार देखो मारो और निकल लो, गोरिल्ला स्ट्रेटेजी करो यार, मतलब मारो और निकल लो। तो यहाँ पर मार के मैं दोबारा स्कूल की तरफ घुमा रहा होता हूँ, और एकदम से मुन्ना भाई की गाड़ी में मुझे बहुत सारे बंदे दिखते हैं, मतलब तीन बंदे दिखते हैं एक ही गाड़ी पे, तीन बंदे, शायद गाड़ी की कमी थी उनके पास। और अब देखो यार इन्हें कैसे निपटाएंगे, और तुम्हें फिर से पता चलेगा कि पबजी के सस्ते नशे तुम्हें दिखेंगे। तो यार देखो ये पूरी स्क्वाड कैसे निपटाते हैं हम। तो यार सबसे पहले कवर में आओ, सबसे मेन काम होना चाहिए कवर। अगर तुम्हारे पास कवर है ना तो सामने यार एक स्क्वाड भी है तो डरो मत, तुम्हारे पास बस कवर होना चाहिए अच्छा खासा। और यार सही बताओ बूस्ट करके रखा करो, बूस्ट से तुम्हें पता ही है क्या होता है। बूस्ट करने से यार तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी अच्छी खासी हो जाएगी। यार कोई वर्क नहीं मिला इसलिए एक्यूरेसी इस्तेमाल करो। सच बता रहा हूँ ये खुद ब खुद सिंगल पे गया, पता नहीं ये सिंगल पे कैसे चला गया यार, स्कोप खोला था। फिर उसके बाद ये बंदा रश करता है, अब इसको डायरेक्ट फिनिश भी कर देंगे। अब यार थोड़ा सा हेल्थ का डर लग रहा था इसलिए मैं बार बार हेल्थ टच कर रहा था। तो यार इसको भी नॉक कर दे, थोड़ा सा हेल्थ का डर लग रहा था इसलिए मैं हेल्थ कर रहा था। यार क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा सा नूब है हम। और एकदम से यार बंदा दिखता है तो मैं पूरा डिसाइड कर लेता हूँ बिना हेल्थ के मारेंगे। तो गाइस अगर ये वाली पसंद आई हो तो यार 10 लाइक का एम कर रहा हूँ मैं, 10 लाइक कर दो यार किसी भी तरह, किसी भी तरह। तो गाइस जैसे ही मैं लूटने जा रहा था एकदम से यार बंदे आते हैं, मतलब एक बंदा आता है गाड़ी पे। और यार सच बता रहा हूँ इससे बुरी किस्मत मेरी आज तक नहीं हुई। मतलब ठीक है यार इतने प्रो नहीं है हम, लेकिन इतने नूब भी नहीं है, मतलब देखते जाओ यार। बंदे को इतने शॉट पड़ते लेकिन फिर भी नॉक नहीं हो रहा होता, पता नहीं कौन सा ग्लूकोन डी पी के आया है। और यार पता नहीं गाड़ी आज तक मुझसे फटती नहीं है, और बंदा नेड कुक करके रखा होता है। और गाइस सच बता रहा हूँ इससे बुरी किस्मत मेरी आज तक नहीं हुई, एक भी गोली नहीं लगती बंदे को, एक भी गोली नहीं लगती। इतनी इसने भी कह दिया भाई इतनी गोली मार दी अब नहीं गोली लगेगी तेरी। तो बस यार यही था आज की गेम प्ले में, आशा करता हूँ आपको गेम प्ले पसंद आया हो। यार वीडियो पे नए हो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वही पुराना डायलॉग, बाय।